गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर ऑनलाइन क्लास अगेन। इन द लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस अबाउट आवर मेजर फूड क्रॉप्स, जो हमारे यहाँ वो अनाज खाने के लिए इस्तेमाल से वो फसलें, उनके बारे में हमने डिस्कस किया था। बट इन एग्रीकल्चर वी हैव गो थ्रू द टॉपिक दैट वी आर सपोज टू ग्रो मेनी क्रॉप्स फॉर डिफरेंट पर्पजेस। हम बहुत प्रकार की फसलें उगाते हैं अलग अलग पर्पज से। तो हमने फूड क्रॉप्स टू फीड अस, हमारे खाने के लिए, देन फोडर क्रॉप्स, सम फूड एंड फोडर क्रॉप्स लाइक मेज, जो जानवरों के चारे के लिए इस्तेमाल हो, देन आफ्टर फाइबर क्रॉप्स टू मेक क्लोथ्स एटसेट्रा, देन आफ्टर सम बेवरेज क्रॉप्स टू मेक अस फ्रेश। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फाइबर एज वेल एज द बेवरेज क्रॉप्स। फाइबर क्रॉप्स फ्रॉम वेयर वी आर गोइंग टू गेट द फाइबर ऑफ द क्लोथ, and then after beverage crops which we are going to use at home for our drinks or for drinkable purpose like tea and coffee. First, there are two major fiber crops which are grown in India. These are cotton and jute. What are the conditions required for the growth of cotton? Cotton requires high temperature zyada chahiye, then लो रेनफॉल, ज्यादा बारिश की जरूरत नहीं होती, टेम्परेचर ज्यादा, बारिश कम, ए गुड सनशाइन, अच्छी सूर्य की रोशनी। इट टेक्स नियरली अबाउट 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज, इसको लगभग 210 दिन चाहिए, और वो फ्रॉस्ट फ्री, कोई धुंध वगैरह न लगे, इसकी कंप्लीट मैच्योरिटी के लिए। ये वो फसल है, इट टेक्स द लॉन्गर टाइम इन एनी एग्रीकल्चर सीजन। किसी भी एग्रीकल्चर सीजन की फसल की बात करें उसमें ये कौन सी, जहां हम ये बोले कि टेम्परेचर ज्यादा चीज में, इट मींस इट इज द क्रॉप ऑफ खरीफ सीजन। खरीफ में टेम्परेचर गर्मी की सीजन में ज्यादा होता है, तो जहां भी हम ये बोले कि बहुत ज्यादा टेम्परेचर चीज, ज्यादा टेम्परेचर का मतलब खरीफ की है फसल हो, तो ऐसे ये खरीफ की है। खरीफ का मतलब जो फसलें गर्मी के टाइम पर, मानसून के टाइम पर उगाई जाती है वो क्या है, वो हमारे पास खरीफ है, और जो सर्दियों में उगाई जाएंगी वो है रबी की फसलें। तो इसका मतलब कॉटन कौन सी है, खरीफ की फसल है। 210 नियरली अबाउट 7 months, यानी लगभग पूरी मैच्योरिटी, शुरुआत ग्रोइंग से लेके हार्वेस्टिंग तक। हार्वेस्टिंग में इसमें क्या होता है, कटाई नहीं होती, हम उसमें से क्या है, वी आर गोइंग टू प्लक द कॉटन, हम उसमें से कॉटन निकालते हैं, तो उसके लिए लगभग 7 महीने, यानी सबसे लंबा अगर माने एग्रीकल्चर सीजन में क्रॉप लेती है तो है कॉटन। तो टेम्परेचर ज्यादा, रेनफॉल कम, अच्छी सनशाइन, और लगभग 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज। अब अगर मिट्टी की बात करें, इट इज बेस्ट ग्रोन इन ब्लैक सोइल, सबसे अच्छी तो होती है ब्लैक सोइल में, बट इट कैन बी ग्रोन इन एलिवल सोइल ऑल्सो, और एलिवल सोइल भी इसके लिए अच्छी है, सुटेबल है ग्रोथ के लिए। अब इसके अगर हम प्रोड्यूसर्स की बात करें, द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन आर चाइना, यूएसए, इंडिया, पाकिस्तान, ब्राजील एटसेट्रा, द इवन इजिप्ट इज ऑल्सो गिवन इन योर बुक, दीज आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन इन द वर्ल्ड। ये संसार में सबसे ज्यादा कॉटन का प्रोडक्शन करने वाले कंट्रीज है। And cotton is used as a raw material in cotton industry, जो cotton के हमारे कपड़े बनते हैं उसके लिए raw material का काम करता है cotton। तो ये हमारे यहां इसको agro based industries का raw material भी है, जो industries agro based है उसमें cotton की जो industries है किसके ऊपर है, cotton के fiber के ऊपर। Then after we are going to make yarn and then after the cloth, उसके बाद धागा बनाएंगे फिर कपड़ा बनेगा। तो कॉटन जो इंडस्ट्री है हमारी, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, वो किसके ऊपर डिपेंड है, कॉटन के ऊपर। तो हमने कॉटन के लिए क्या है, हाई टेम्परेचर, लो रेनफॉल, देन आफ्टर गुड सनशाइन, 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज फॉर इट्स ग्रोथ, सोयल ब्लैक एंड एलिवल सोयल, द लीडिंग प्रोड्यूसर चाइना, यूएसए, इंडिया, पाकिस्तान, ब्राजील, इजिप्ट, एंड इट इज द रॉ मेटेरियल फॉर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। नेक्स्ट, अवर सेकेंड फाइबर क्रॉप इज जूट, दूसरे हमारे जो फाइबर क्रॉप है जूट, इट इज ऑल्सो नोन एज गोल्डन फाइबर, इसको गोल्डन फाइबर के नाम से, सुनहरा रेसा, गोल्डन फाइबर के नाम से भी जानते हैं। एक नंबर में बहुत बार क्वेश्चन आता भी है, विच क्रॉप इज नोन एज गोल्डन फाइबर, जूट। अब इसके लिए हाई टेम्परेचर, टेम्परेचर तो जैसे कॉटन में है वैसे इसके लिए टेम्परेचर ज्यादा चाहिए, इसका मतलब फिर वापिस बात हुई, अगर टेम्परेचर ज्यादा चाहिए इसका मतलब फसल कौन सी है, ये हमारे खरीफ की फसल है। लेकिन इसमें, उसमें लो रेनफॉल था, इसमें हैवी रेनफॉल, इसमें बारिश ज्यादा चाहिए, पानी ज्यादा चाहिए इसके इरिगेशन के लिए, यानी जूट के लिए टेम्परेचर भी ज्यादा चाहिए और पानी भी ज्यादा चाहिए। उसके साथ साथ
क्योंकि हमारा रेनफॉल अगर कम होता है तो इसका मतलब इरीगेशन की फैसिलिटीज बढ़ानी पड़ेगी, रिवर बेसिन है उनके आसपास उगाया जाए इसको। सोयल उसमें ब्लैक और एलुवियल सोयल थी, ब्लैक सोयल ज्यादा सुटेबल थी, यहां एलुवियल सोयल ज्यादा सुटेबल है, इसके लिए एलुवियल सोयल इज मोस्ट सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ जूट। अब अगर प्रोडक्शन की बात करें, इंडिया एंड बांग्लादेश आर द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ द वर्ल्ड, इंडिया और बांग्लादेश लीडिंग प्रोड्यूसर है। और हम जानते हैं बांग्लादेश बिफोर 1947 इट वॉज अ पार्ट ऑफ इंडिया, 1947 से पहले तो बांग्लादेश भी इंडिया का ही पार्ट था, इसका मतलब 1947 से पहले हम कहते हैं वी वर द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ द वर्ल्ड, यानी बाहर सबसे बड़ा प्रोड्यूसर था। बांग्लादेश अलग होने के बाद अब बांग्लादेश लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, यानी वो एरिया तो कॉटन ग्रोइंग बेल्ट था, वो ज्यादा एरिया कहां चला गया, बांग्लादेश में चला गया। अब इससे अंदाजा लगा सकते हैं बांग्लादेश में कौन सा हिस्सा गया हमारा, बंगाल का हिस्सा, ईस्टर्न बंगाल था वो, बांग्लादेश क्या था ईस्टर्न बंगाल। अब तो हम वेस्ट बंगाल बोलते हैं इसलिए नहीं कि वेस्ट में है तो ईस्टर्न डायरेक्शन में, हम फिर उसको वेस्ट बंगाल क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो हमारे पास पूरा बंगाल एक प्रोविंस था, जो प्रांत था उसके दो पार्ट थे, वेस्ट और ईस्ट, ईस्टर्न पार्ट का बांग्लादेश बन गया, पहले पाकिस्तान में गया, पाकिस्तान से फिर 1971 में बांग्लादेश बन गया। हमारे पास बताया कौन सा बंगाल का हिस्सा, वेस्ट, इसलिए हम वेस्ट बंगाल बोलते हैं उसको। तो जूट का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हमारे यहाँ, फिर आप अंदाजा लगा सकते हैं बांग्लादेश जो बना है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, तो हमारा भी कौन सा हिस्सा, असम और बंगाल में प्रोडक्शन ज्यादा होता है जूट का, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर स्टेट के अनुसार तो वेस्ट बंगाल है, भारत में वेस्ट बंगाल लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इसका। अब हमारे पास नेक्स्ट टू बेवरेज क्रॉप्स आर देयर, दो हमारे पास बेवरेज क्रॉप्स जो घरों में हम जो ड्रिंकेबल पीने के इस्तेमाल करते हैं, सुबह सुबह उठते ही सबको, बहुत सारे तो ऐसे जिनकी नींद नहीं खुलती चाय के बगैर, तो टी और कॉफी। अब अगर हम पहले कॉफी की बात करें, कॉफी के लिए किस प्रकार टेम्परेचर की, वार्म यानी टेम्परेचर थोड़ा सा ज्यादा चाहिए, और सोयल कैसी, लूमी एलुवियल सोयल, जलोढ़ मिट्टी एक उसमें थोड़ा चिकनापन हो, एलुवियल सोयल, चिकनी एलुवियल सोयल, लूमी एलुवियल सोयल। अब इसमें अगर प्रोड्यूसर की बात करें तो ये जीके क्वेश्चन में भी आता है, विच कंट्री द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी, ब्राजील, ब्राजील सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कॉफी का। अब ये ग्रोथ सबसे अच्छी कहां होती है, ये इसके लिए रेनफॉल ज्यादा जरूरत नहीं होती, वार्म और लोमी सोयल, वेल ड्रेन्ड सोयल, और सोयल कैसी, वेल ड्रेन्ड यानी पानी रुके नहीं, पानी निकल जाए, यानी बारिश हुई जितना मॉइस्चर उतना उसके बाद पानी निकल जाए, तो इसलिए हिल स्लोप्स अगर पहाड़ी इलाकों के ढलान है उसमें सबसे अच्छी होती है। और हमारे प्रोडक्शन की बात करें भारत में कहां होती है, इन साउथ इंडिया स्पेशली कर्नाटका, अगर हम भारत की बात करें तो जो हमारा कर्नाटका तमिलनाडु नीलगिरी हिल्स है, वो नीलगिरी हिल्स उसके अंदर सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है कॉफी का। आपकी बुक में इसको मेंशन नहीं कर रखा है लेकिन अगर आप इसको पढ़ेंगे तो हमारा नीलगिरी हिल्स है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, ये जो बेल्ट है इसके अंदर हमारे यहाँ से कॉफी का प्रोडक्शन ज्यादा होता है। और ब्राजील, कोलंबिया और इंडिया इसके लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। इंडिया में जो हमारे प्रोडक्शन होता है वो कौन सी क्वालिटी कॉफी की सबसे अच्छी है, वो है अरेबिका, अरेबिका सबसे अच्छी क्वालिटी कॉफी जो भारत में प्रोड्यूस होती है। अब हमारे पास है नेक्स्ट टी, अब इसमें देखो वार्म क्लाइमेट, इसमें कूल ठंडा मौसम चाहिए, हैवी रेनफॉल ज्यादा बारिश है, बट वेल ड्रेन सोयल, सोयल ऐसी हो जिसमें मिट्टी में आसानी से पानी निकल जाए, मिट्टी सेम है, एलुवियल सोयल, लोमी एलुवियल सोयल, अगर सोयल भी कौन सी, अगर एलुवियल सोयल का पार्ट है वो भी लोमी, थोड़ी चिकनी मिट्टी है, इसमें बारिश ज्यादा चाहिए लेकिन पानी रुके नहीं, वेल ड्रेन सोयल, यानी ये भी स्लोप में ज्यादा अच्छी होती है, अगर पहाड़ों के स्लोप है तो उसमें ज्यादा अच्छी होती है। हमारे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर अगर बात करें स्टेट्स की तो आसाम और वेस्ट बंगाल, आसाम और वेस्ट बंगाल में दार्जिलिंग, वहां प्रोडक्शन ज्यादा अच्छा होता है। इसके प्रोड्यूसर्स की बात करें तो केन्या, इंडिया, चाइना, श्रीलंका आर द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ टी। ये हमारे पास दो फाइबर क्रॉप कॉटन एंड जूट, और दो हमारे पास कौन सी थी, बेवरेज क्रॉप्स कॉफी एंड टी। लगभग इन चारों का प्रोडक्शन भारत में आसानी से होता है, वी आर एबल टू प्रोड्यूस फॉर अवर ओन कंजप्शन, हम सक्षम है अपने कंजप्शन के अनुसार इनका प्रोडक्शन, चारों का ही प्रोडक्शन करने में। अगर कॉफी के प्रोडक्शन की भी बात करें तो कॉफी हमारे यहां बनता है नीलगिरी हिल्स जो हमारे यहां, उसके लिए कॉफी प्रोडक्शन ज्यादा अच्छा हो सकता है। इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, इससे अगली क्लास में पढ़ेंगे किस प्रकार हमारे खेती में अलग अलग डेवलपमेंट हुए, व्हाट आर द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।